हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में दिल से स्वागत करता हूं। मैं हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में IOC शेयर के बारे में। शॉर्ट नेम है इसका IOC, यानी दोस्तों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन कंपनी के शेयर के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो, मेन बात तो यहाँ पर ये हो रही है कि इसका टारगेट क्या होने वाला है, लेकिन मैं बस काफ़ी कमेंट आ रहे हैं दोस्तों भर भर के कि हम इस प्राइस पर इन्वेस्ट करें ना करें, और एक बात और खास कि डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं बस काफ़ी कमेंट है दोस्तों डिविडेंड की, दोस्तों न्यूज़ बिल्कुल गलत थी। वो डिविडेंड अभी किसी को क्लियर नहीं हो रहा है कि किस किस को मिलेगा। अभी तक इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी तक इसका कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। अब बात करें टारगेट की, टारगेट क्या होने वाला है आने वाले 6 मंथ के लिए। इसका टारगेट दोस्तों बात करें हम 6 मंथ की, देखो 6 मंथ में अगर शेयर आपको आने वाले जनवरी लास्ट तक ये शेयर अगर 151 तक आपको टारगेट देखने मिलता है, तो आने वाले 6 मंथ में आपको इसकी प्राइस दोस्तों 200 रुपये प्लस देखने को मिलने वाली। हो सकता है आपको टारगेट 2 मंथ के अंदर दोस्तों 200 रुपये तक आपकी प्राइस को देखने को मिल सकती है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी आ रहा है कि करंट प्राइस भी इन्वेस्ट करें ना करें। देखो दोस्तों, पहली बात आपको फोकस करना हो न्यूज़ के ऊपर, इसके टारगेट के ऊपर। देखो न्यूज़ क्या आ रही है मार्केट में, उसमें फोकस करना होगा। देखो अगर गुड न्यूज़ है तो गुड न्यूज़ क्यों आई है, अगर बैड न्यूज़ है बैड न्यूज़ क्यों आई है। अभी जाकर दोस्तों आपको न्यूज़ में कन्फर्म होगा कि ये शेयर कब तक हाई बनेगा। पहले दोस्तों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन कंपनी का स्टॉक बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है स्टॉक ने पिछले, अगर मैं 1 मंथ की बात करूँगा तो 15 रुपये के आसपास का आपको जंप देखने को मिला, काफ़ी बड़ी तेजी आपको देखने को मिली है यहाँ पे। वीडियो का आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब बिल्कुल कर सकते हैं।